हेलो गाइस, वेलकम टू डिश विद रेखा। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ आपके लिए लेकर के आई हूँ एक हेल्थी एंड टेस्टी सूप की रेसिपी। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हॉट एंड सॉर सूप बनाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पसंद होगा दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। हम इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे फ्रेंड्स। और अब जैसे ही हमारा पैन थोड़ा सा गर्म हो गया, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप गार्लिक। फ्रेंड्स, हॉट एंड सॉर सूप बनाने के लिए गार्लिक एंड जिंजर ही सबसे मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, सो इन्हें स्किप मत कीजिएगा। इसे मैंने जिंजर और ऑनियन भी ऐड कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी कैप्सिकम, कैरेट। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है कैबेज। ये आप अपनी सूप की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसकी क्वांटिटी। यहाँ मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, सो मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों। अब इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, ना आपको ये लिक्विड ही चाहिए हो। अब इसे ढक कर के मैं इसकी फ्लेम को मैंने थोड़ी देर के लिए हाई कर दिया था फ्रेंड्स, ताकि इसमें बॉयल आ सके। और हाई फ्लेम पर ही मैंने इसको थोड़ी देर बॉयल किया, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए फ्रेंड्स। अब दोस्तों, हम सूप की कंसिस्टेंसी को अच्छा करने के लिए फ्रेंड्स कॉर्न स्टार्च का यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ओट्स। मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 टेबल स्पून ओट्स लिया है फ्रेंड्स। अब इसको ये हमारी सूप की कंसिस्टेंसी को बहुत ही अच्छा कर देगा फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है फ्रेंड्स, जो कि आप सभी जानते हैं कि हॉट एंड सॉर सूप का मेन इन्ग्रीडियंट है फ्रेंड्स। हम इसे स्किप नहीं करेंगे। और इसके बाद इस पर लिड लगाकर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे फ्रेंड्स। और जब ये अच्छे से कुक हो जाए फ्रेंड्स, तो इसका लिड हटा करके अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, सॉल्ट की क्वांटिटी जितना कम हो सके उतना कम ही रखेंगे हम। एंड फ्रेंड्स, अभी बस इसे मिक्स करते हुए हम इसमें 1 बॉयल और लेकर के आएंगे। इसके बाद ये हमारा सूप बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। और अपनी सूप की कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना अच्छा बना है फ्रेंड्स। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।